हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी टेस्टी और स्पाइसी मोमोज की चटनी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो टमाटर है मीडियम साइज़ के, इसको काट के ले लिया है। 4-5 सूखी लाल मिर्च है, इसे हमें साथ में बॉयल करना है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। एक पैन में ये मैंने 1 ग्लास पानी रखा है, ये गर्म हो जाएगा तब इसमें हमें इसे बॉयल करना है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें बॉयल करना है, हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तब तक के लिए। फिर इसे हम पानी इसका छान लेंगे अलग। हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से एक बारीक पेस्ट बना लेना है। गैस पर मैंने ये एक पैन रखा गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें 2-3 ये लहसुन की कलियां बारीक चॉप्ड करके डाल देंगे। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालेंगे। अब इसमें ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, टमाटर और लाल मिर्च का, इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ये बॉयल होने लगे फिर इसमें ये हमें कॉर्नफ्लोर है 1/2 चम्मच के करीब, और ये लाल रंग है खाने वाला, थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर में लाल रंग ऐड करना है, ये देखिए इतना। और इसका एक घोल बना करके इस चटनी में मिक्स करना है। पानी डाल के हम थोड़ा सा घोल बना लेंगे और ये इस चटनी में मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमें लो रखनी है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर ये वाइट विनेगर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बॉयल होने तक पका लेंगे लो फ्लेम पर। बहुत हाई फ्लेम पर मत रखिए, नहीं चटनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। लो फ्लेम पर थोड़ी देर पक जाने देंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लीजिए हमारी मोमोज की लाल तीखी चटनी बिल्कुल मार्केट स्टाइल तैयार है। अगर आपको ये मेरी मोमोज की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।